गाइस, पूरी दुनिया और हमारा देश भारत आज बड़ी बड़ी आपदाओं से जूझ रहा है। और अब तो भारत में कोरोना की सेकेंड वेव आने के बाद हालत बद से बदतर हो गई है। कई जगह ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, कई जगह वैक्सीन्स की कमी है, और तो और गाइस, कई जगह हॉस्पिटल्स में बेड ना मिलने की वजह से लोगों की अस्पताल के बाहर ही मौत हुई है। इतना होना भी कम था कि अब इंडिया में एक नई बीमारी सामने आई है जिसे ब्लैक फंगस नाम दिया गया है, क्योंकि इससे अब तक कई मौतें हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ब्लैक फंगस के बारे में सारी बात बताने वाला हूँ, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्लैक फंगस असल में है क्या, फिर आप जानेंगे कि ये हमारे किस हिस्से से हमारे शरीर में घुसता है, किन लोगों को इससे सबसे ज़्यादा खतरा है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, फिर बात करेंगे कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है, और सबसे आखिर में इससे बचने के लिए प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। सो लेट्स बिगिन। ब्लैक फंगस के बारे में जानने से पहले आइए मैं आपको बता देता हूँ कि फंगस क्या होता है। गाइस, फंगल इन्फेक्शन, जिसे साइंस की भाषा में माइकोसिस कहा जाता है, ये फंजाई नाम के एक यूकेरियोट से होता है। फंजाई कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं, बल्कि उससे भी ऊपर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल्स होते हैं तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर्स एनिमल्स की तरह होता है। ये ज़्यादातर गंदगी और डर्टी जगहों पर अपना डेरा डाले रहते हैं, और इनके बढ़ने से इंसान के शरीर में रैशेस या बम्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये ब्लैक फंगस क्या होता है। गाइस, ये ब्लैक फंगस एक ऐसा फंगस है जो जिस शरीर के जिस भी हिस्से में लगता है उस हिस्से को कंप्लीटली डेड कर देता है। उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से बंद करके वो वहीं बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है, और जो भी स्किन का हिस्सा इसके चपेट में आता है ये उस हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। फंजाई के लाखों प्रजातियां होती हैं, जिनमें से एक है म्यूकोरमाइसाइट्स, और यही म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के लिए जिम्मेदार होते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगस के अंदर 100% मोर्टैलिटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका प्रॉपरली इलाज नहीं किया गया तो ये बहुत तेज़ी से बढ़कर इंसान की जान भी ले सकता है, जिसके केसेस ऑलरेडी इंडिया में मिल चुके हैं, और महाराष्ट्र की देखें तो इससे अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। गाइस, ये ब्लैक फंगस आंखों के अंदर जा सकता है, ब्रेन में अटैक कर सकता है, और लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जिस भी जगह जाता है उस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर इनमें से एक भी चीज़ खराब हो जाए तो उस इंसान की बॉडी के पूरे फंक्शंस में असर पड़ सकता है। गाइस, ब्लैक फंगस उन लोगों में देखा गया है ज़्यादातर जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है, जैसे जिनको कोविड हुआ था। ये नाक के रास्ते होकर इंसानों के आँख और ब्रेन तक जाता है। कोरोना वायरस हमारे शरीर की इम्यूनिटी पर इफेक्ट करके उसे बहुत कम कर देता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ दवाइयाँ खाते हैं जैसे स्टेरॉइड ड्रग्स। गाइस, ये स्टेरॉइड्स ही ब्लैक फंगस का खाना होती है, और यही इसे ग्रो करने में मदद करती है। इसलिए आप सब से विनती है कि जब भी किसी दवाई को आप खाएं तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कभी ना खाएं। कोविड पेशेंट्स के अलावा ब्लैक फंगस होने का खतरा डायबिटीज पेशेंट या किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को भी होता है। बेसिकली ऐसे लोग जिन्हें इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारी है, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम उस बीमारी की वजह से वीक हो गई है, उन सभी को अभी के समय में ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा है। गाइस, तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि कैसे पता किया जाए कि आपको ब्लैक फंगस है या नहीं, क्या है इसके सिम्टम्स, और अगर कोई पेशेंट कोविड से ठीक होकर घर आया है तो किस तरह के लक्षण उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, और कब उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं आँखों के आसपास स्वेलिंग आना, नाक का बंद होना, और नाक से डिस्चार्ज आना। गाइस, अगर कोविड से ठीक होने के बाद किसी इंसान को हेडेक हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, या उसको सब धुंधला सा दिख रहा है, उसका विजन क्लियर नहीं है, तो ये ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं, और ऐसे टाइम पे तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गाइस, क्या ब्लैक फंगस को ठीक किया जा सकता है? डॉक्टर्स का कहना है हाँ, इट इज़ क्योरेबल, क्योंकि ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये आज से पहले भी देखी गई थी, और इसे सर्जरी और मेडिकेशन की मदद से ख़त्म किया जा सकता है। गाइस, ये ब्लैक फंगस शरीर के जिस भी हिस्से में जाता है वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से रोक देता है और वहाँ के टिश्यूज़ को डेड कर देता है, तो उन डेड टिश्यूज़ को सर्जरी की मदद से निकाला जा सकता है, और फिर मेडिकेशन देकर वहाँ न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। इस तरह से ब्लैक फंगस से छुटकारा पाया जा सकता है।
गाइस, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो कुछ प्रिवेंशंस हैं, परहेज हैं, जो कि एक डायबिटीज़ पेशेंट या कोरोना से रिकवर्ड पेशेंट या कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं वो कर सकते हैं ब्लैक फंगस से बचने के लिए, क्योंकि इससे गंदगी में, सॉइल में, प्लांट्स में होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप किसी भी ऐसी जगह मत जाइए जहाँ गंदगी भरी हो, किसी कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास मत रहिए, क्योंकि उसका धूल और वेस्ट और डस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपना रेगुलरली शुगर मॉनिटरिंग करते रहिए और अपने मुंह पर हमेशा मास्क पहनकर रखिए। चाहे आप कोरोना से ठीक हो गए हैं, तब भी आपके लिए मास्क पहनना उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था। ऑलराइट गाइस, तो ये था वीडियो ब्लैक फंगस के बारे में। आज के समय में ऐसी ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, बट थैंकफुली हमारा देश भारत इतना केपेबल है, हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इतने ज़्यादा सक्षम हैं कि कोरोना जैसी खतरनाक वायरस का भी वैक्सीन हम लोगों ने बना लिया है। और गाइस, आपको वैक्सीन से नहीं, वायरस से डरना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके अपना वैक्सीन का पहला डोज लगवाइए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर रहने का। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।